नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के डेगाना से है, जहां डेगाना में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सहकारी मंत्री अजय सिंह किलक, बेरुंदा प्रधान जसवंत सिंह थाठा, पंचायत समिति सदस्य सुखराम धूण एवं जिला परिषद सदस्य मनीष काला, नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता रामचंद्र डूडी, भाजपा शहर अध्यक्ष प्रकाश करवा के नेतृत्व में सांसद दिया कुमारी के संवैधानिक पद की गरिमा को समाप्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मंत्री किलक ने बताया कि ग्राम लंगोड़ में भाजपा पार्टी के शासनकाल में स्वीकृत लंगोड़ से नहरी पेयजल योजना का लोकार्पण एवं डेगाना शहर के रेलवे सीमा में नाला निर्माण का शिलान्यास गत 11 जून को पूर्व विधायक पाल सिंह मिर्धा, विधायक विजयपाल मिर्धा व नगरपालिका अध्यक्ष मदन अटवाल द्वारा किया गया था। मंत्री किलक ने कहा कि पूर्व विधायक ऋषपाल सिंह मिर्धा अभी वर्तमान में कोई संवैधानिक पद पर नहीं होते हुए भी इनके मुख्य अतिथि के कार्यक्रम आयोजित होने सरकारी नियमों के विरुद्ध हैं और शिलालेख पर स्थानीय सांसद दीवा कुमारी का नाम नहीं लिखकर पूर्व विधायक मिर्धा का नाम अंकित करना सरकारी नियमों के विरुद्ध है। मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर सरकारी कार्यक्रमों में सांसद पद की गरिमा को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही दोनों शिलालेखों को तुरंत हटवाकर सांसद दिया कुमारी का नाम अंकित करवाने की भी मांग की गई है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के सामने आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन कर धरना भी दिया। डेगाना से अशोक गुजर की विशेष रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय के नाम पे यहाँ के उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दे रहे हैं और उस ज्ञापन का मुख्य विषय यह है कि भी 11 जून को पूर्व विधायक ऋषपाल मिर्धा द्वारा उच्च जलाशय लंगोड़ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय स्वीकृत हुए थे, तथा गंदे नाले के शिलान्यास उनके द्वारा उनके मुख्य अतिथि में किया गया, जबकि वे पूर्व विधायक हैं और किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा उनका नाम शिलालेख पर अंकित कराकर उनके मुख्य अतिथि में ये दोनों कार्यक्रम करवाए गए, जो कि नियमों के विरुद्ध हैं, प्रोटोकॉल के विरुद्ध हैं। प्रोटोकॉल और नियमों की दृष्टि से सांसद महोदय सबसे ऊपर है जिले में, और सांसद महोदय विधायक से भी उनका पद, संवैधानिक पद ऊपर है, मुख्य सचिव महोदय से भी उनका पद ऊपर है। तो हमारी ये मांग है कि जिन अधिकारियों ने ये शिलालेख तैयार करवाया है और जिन अधिकारियों ने ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, उनको निलंबित करके उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और दोनों शिलालेखों पर से अब श्री ऋषपाल मिर्धा का नाम हटाया जाए और उनका नाम हटा करके यहाँ की क्षेत्रीय स्थानीय सांसद दिया कुमारी जी का नाम उन पर अंकित किया जाए। और भविष्य में हमारी ये भी मांग है जिला कलेक्टर महोदय से कि भविष्य में पूरे जिले के अंदर सभी विभागाध्यक्षों को ये निर्देशित करें कि इस तरह से संवैधानिक पद की सम्मान बनाए रखा जाए, इस तरह की कोई घटना आगे नहीं होनी चाहिए। ये हमारा आज का मुद्दा है।